हेलो एवरीवन, आज भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है। आज भगवान जगन्नाथ जी इस रथ में बैठ के अपने मौसी के घर पे जाने वाले हैं और वहीं पे 9 दिन रहने वाले हैं और अपने मासी का लाडला बन के लाड़ दुलाड़ कराने वाले हैं। अभी इनको रथ में बिठाया जा रहा है लेके जाने के लिए। भगवान जगन्नाथ जी को रथ में बिठाया जा चुका है। जो रथ में जगन्नाथ जी को सवारी किया जाता है उस रथ को बहुत अच्छे से फूलों से सजाया जाता है और रथ के आगे 2 घोड़ा और 1 सारथी भी रखा जाता है। देखिए, ये जो रथ यात्रा मनाया जाता है ये आषाढ़ महीने की शुक्ला पक्ष में मनाया जाता है। जब रथ यात्रा निकलते हैं ढाक ढोल बजाते हुए और भजन कीर्तन करते हुए ले जाया जाता है। आज के दिन भगवान जगन्नाथ जी को जलेबी, कटहल यानी जैकफ्रूट आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये जो रथ है भगवान महाकाल जी के मंदिर में रहता है, इसीलिए रथ को ले जाने से पहले महाकाल जी से अनुमति लिया जाता है। इसीलिए भगवान महाकाल जी का पूजा करके अनुमति लिया जा रहा है। रथ को ले जाने से पहले पूजा किया जाता है। जब तक रथ को तैयार किया जा रहा है तब तक मैं आप लोगों को थोड़ा सा साइट सीन की ओर लेके जा रही हूँ। ये है बताबी लेबू। बताबी लेबू यानी पोमेलो, और ये एक छोटा सा तालाब है। कोलकाता में ऐसे छोटे छोटे तालाब बहुत रहता है। रथ रेडी हो चुका है और जगन्नाथ जी अपने भाई बलराम और अपनी बहन सुभद्रा को साथ में लेके चले अपने मौसी के घर। मेरी बहन रथ को खींचते हुए और ये प्रसाद बांट रहा है। जैकफ्रूट यानी जो कटहल होता है, आज भगवान जी के प्रसाद में कटहल, जलेबी, पतासा ये सारे बांटा जाता है। रथ को खींचना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो मुझे भी इस मौके को छोड़ना नहीं था तो मैं भी थोड़ा सा हाथ लगाया। रथ को रास्ते से लेके जाना आसान नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिक वायर होता है या झार होता है, इसीलिए रथ के ऊपर एक को रहना ही पड़ता है। और ये मेरा भाई है जो रथ के ऊपर है।
जगन्नाथपुरी में तो बड़ा रथ बनाया जाता है, लेकिन ऐसे गली गली में छोटा छोटा रथ भी बनाया जाता है। देखिए कितना सुंदर है, छोटा सा क्यूट सा रथ। जगन्नाथ जी का रथ पहुंच चुका है अपने मासी के घर तक। अपने मासी के घर जाने के लिए रथ से उतर चुके हैं जगन्नाथ जी अपने भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा जी के साथ। लाडला राज दुलारा अपनी भाई बहन के साथ मासी के घर आ चुके हैं। अभी लाडले के स्वागत के लिए पूरे घर में आलपोना और फूलों से सजाया गया है। अब लाडले राज अपने मासी के घर पे अपने आसन में विराज चुके हैं और इनको अब 9 दिन तक अलग अलग व्यंजन बना के भोग चढ़ाया जाएगा। तो कैसी लगी आज का ये वीडियो? अगर अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाडले राज के घर में आने से ही उनका पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है, भजन कीर्तन शुरू हो चुकी है। बहुत नसीब वाले हैं वो लोग जिनको मौका दिया है लाडले राज ने अपने सेवा करने की।